एमटेक की जो प्रॉपर जीटी किट है वो यहाँ पे रहने वाली है। यहाँ पे आपको एमटेक की जो प्रॉपर बैजिंग है वो देखने को मिल जाएगी। साथ ही डीआरएल लाइट जो है वो भी लगाई गई है जो कि डुअल पर्पस में रन करने वाली है। इसलिए गैलियो वाली रूफ रेल है पियानो ब्लैक फिनिश के साथ वो इंस्टॉल करी जा चुकी है। ऑर्कस्ट व्हाइट कलर की अपनी कार रहने वाली है, सेम वही कलर आपको इसके साथ देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे अपना स्पॉइलर जो है वो भी इंस्टॉल किया हुआ है, ये आप चेक कर सकते हो। एमटेक का जो अपना स्पॉइलर है वो यहाँ पे लगाया गया है। इंडिकेटर पुट करोगे, इंडिकेटर देने पर सिक्वेंशियल टाइप ब्लिंक करना स्टार्ट कर देते हैं। माउंटेड ऑडियो एंड कॉलिंग कंट्रोल्स भी यहाँ पे एड ऑन किए गए हैं जो कि टाटा जेनवन रहने वाले हैं। म्यूजिक सिस्टम भी अपडेट किया गया है, 4GB रैम 32GB इंटरनल स्टोरेज के साथ एक्सट्रीम ब्रांड का सिस्टम जो है वो लगाया गया है। टच का रिस्पॉन्स बहुत ही स्मूथ आपको देखने को मिल जाएगा। फ्रंट और बैक कैमरा जो है दोनों ही ये सपोर्ट करता है। फ्रंट कैमरे की प्लेसमेंट यहाँ पर है, रियर कैमरे की प्लेसमेंट पीछे की तरफ करी गई है। तो टाटा जेनवन पावर विंडोज जो है इस सारी कार के अंदर अपडेट करी गई है, जिसमें आप देखोगे ड्राइवर साइड से ही आप रियर की पावर विंडोज को प्रॉपर्ली आप यहाँ पे ऑपरेट कर सकते हैं। काम जो मैं पंजाब से सोच के आया था, अच्छा, कि मेरे को ये चीज चाहिए वही मिला। तो मतलब जो आप सोच के आए थे पंजाब से वो आपको मिला है? मिला है। कोई फिटिंग की दिक्कत ना हो, फिटिंग प्रॉपर है, काम पूरा चौकस हुआ है, मैंने खुद चेक कर लिया, सारा कुछ ओके है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बढ़िया है। वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं अभी डेकोरम कार एक्सेसरीज करोल बाग में। अगेन अपने सामने दो गाड़ियां खड़ी हैं और बाकी गाड़ियां जो है वो पार्किंग के अंदर कस्टमाइज करी जा रही हैं। जो गाड़ी अपने सामने है ये है इसका बेस मॉडल प्योर, और गाड़ी कहां से आई है वो आप यहां पर चेक कर सकते हो। PB10 लुधियाना नंबर जो कार है वो रहने वाली है। और आज के इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट बात करने वाले हैं इस कार के कस्टमाइजेशन की। अराउंड 80,000 रुपीज के आसपास का जो बजट है इस वाली कार के अंदर रहने वाला है। काफी कुछ एक्सेसरीज का जो इंस्टॉलेशन है वो यहां पर किया जा रहा है। सामने से बात कर लेते हैं क्या कुछ अपडेट हो चुका है और क्या कुछ होने वाला है। तो सबसे पहले आप यहां पे देखोगे हेडलाइट के अंदर अपना जो एलईडी बल्ब है वो इंस्टॉल किया जा चुका है। ग्लॉसी किट में अपना जो हेडलाइट वाला पोर्शन है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। प्रॉपर रेड इंसर्ट्स वगैरह आप जो है वो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसके अलावा फॉगलाइट इस मॉडल के अंदर नहीं आती है, अपनी मिंडा वाली फॉगलाइट प्रॉपर रिले वायरिंग वगैरह के साथ जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल करी जा चुकी है। एमटेक वाली जो अपनी जीटी किट है वो भी इस वाली कार के अंदर जो है वो इंस्टॉल करने वाली। इसके अलावा दोस्तों व्हील कवर का अपडेट है वो रहने वाला है। पीछे की तरफ यहाँ पे आप देखोगे रियर रिफ्लेक्टर जो है वो इंस्टॉल हो चुके हैं। कैमरा लगने वाला है। ऊपर की तरफ देखोगे शार्फिन टाइप रेडियो एंटीना, उसका काम कंप्लीट हो चुका है। अंदर की तरफ आपको दिखा देते हैं क्या कुछ अपडेट रहने वाला है। रियर की पावर विंडोज इस मॉडल के अंदर नहीं आती है, टाटा जेनवन रियर पावर विंडोज का जो अपडेट है वो करने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे फ्लोर के ऊपर अपनी जो डाई वाली फ्लोरिंग है वो इसका काम यहाँ पे कंप्लीट किया जा चुका है। स्टीयरिंग व्हील के ऊपर डुअल टोन रैपिंग हो चुकी है। म्यूजिक सिस्टम के लिए अपडेट जो है वो स्टार्ट किया जा चुका है। सीट कवर जो है वो लग रहे हैं। इस तरीके से काफी अच्छे अपडेट जो है वो आपको इस वाली कार के अंदर देखने को मिल जाएंगे। अब इस वाली कार के अंदर सिस्टम लग रहा है उसके अंदर अपना फ्रंट और बैक दोनों कैमराज जो है वो सपोर्ट करने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो एंड कॉलिंग कंट्रोल जो है वो भी लग चुके हैं। म्यूजिक सिस्टम भी आप यहाँ पर देख सकते हो, तो अपनी लगा नहीं है। अभी पीछे की तरफ से सारी वायरिंग वगैरह जो है वो करी जा चुकी है, और वायरिंग जिस तरीके से करी गई है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। सारा कुछ काम कपलर बनाने के बाद जो है वो किया गया है मेन कपलर के साथ में। और यहाँ पे आप देखोगे तो 432 का जो अपना एक्सट्रीम वाला सिस्टम है वो इस वाली कार के अंदर इंस्टॉल किया जा रहा है। स्पीकर की पैकिंग वगैरह हो चुकी है। यहाँ पे आप देखोगे पायनियर के फ्रंट डोर के अंदर कॉम्पोनेंट स्पीकर्स हैं, जबकि रियर डोर के अंदर कोएक्सियल स्पीकर्स जो है वो इंस्टॉल किए जा रहे हैं। तो यही सब काम जो है वो रहने वाला है। और भी क्या क्या चीजें हैं जैसे कि वेलकम प्लेट जो है वो लगने वाली है। इसी तरीके से काफी कुछ अपडेट जो है वाली कार में रहने वाले हैं। अपडेट आगे होने देते हैं फिर आपको दिखाते हैं। दोस्तों अपडेट की अगर हम बात कर लेते हैं तो पंच का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब ब्यूटीफिकेशन का काम जो है वो चल रहा है, यानी कि जीटी किट वगैरह जो है वो अपडेट करी जा रही है। और एमटेक वाली जीटी किट जो है उसका काम यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। फ्रंट पोर्शन जो है उसकी कम्प्लीटली यहाँ पे इंस्टॉलेशन हो चुका है। साइड वाले पोर्शन पे अभी आप बिफोर लुक चेक कर रहे हो, लग जाने के बाद आफ्टर लुक भी आपको मैं दिखा देता हूँ। इसके अलावा रियर में आते हैं तो रियर में जो है यहाँ पे अपना प्रॉपर स्क्रू वगैरह से जो है इसको यहाँ पे टाइट किया जा रहा है। A few moments later. तो दोस्तों अपनी पंच का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ अपडेट जो है इस वाली कार के अंदर किए गए हैं। सबसे पहले हम फ्रंट से ही स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया इस वाली कार के अंदर जीटी किट का जो इंस्टॉलेशन है वो यहाँ पे किया गया है। आप चेक कर सकते हो एमटेक की जो प्रॉपर जीटी किट है वो यहाँ पे रहने वाली है। यहाँ पे आपको एमटेक की जो प्रॉपर बैजिंग है वो देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा इसकी कुछ क्योंकि जेनवन वाली लगाई गई है तो इसमें कुछ चीजें हैं जो कि आपको नोट करनी चाहिए, जो कि बहुत जरूरी है। यहाँ पे आपको प्रॉपर जीटी की जो बैजिंग है वो देखने को मिल जाएगी। इस तरीके से यहाँ पे आपको डिजाइन मिल जाते हैं, हनीकॉम पैटर्न डिजाइन मिल जाता है। तो जीटी की पहचान ये रहने वाली है। आपको फ्रंट में मिल जाएगी, बैक में मिल जाएगी और साइडों में पोर्शन इसका मिल जाता है। 11,500 रुपए कॉस्ट में जीटी किट जो है वो लगाई गई है इस वाली कार के अंदर। अभी तो मैंने आपको फ्रंट दिखा दिया है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे हेडलाइट के कंप्लीट सराउंड में अपनी जो यहाँ पे ग्लॉसी किट है वो भी इंस्टॉल करी गई है, जिसमें आपको रेड इंसर्ट देखने को मिल जाते हैं। इसके अंदर एक प्रॉपर किट आती है 10 पीस की अपनी रहने वाली है, उसको भी आगे कंटिन्यू करेंगे। इसके अलावा हेडलाइट के अंदर 120 वॉट की हेडलाइट एलईडी लगाई गई है, और अपनी जो मिंडा वाली फॉग लाइट है वो इस वाली कार के अंदर इंस्टॉल करी गई है। एक बार मैं इसको ऑन करके आपको दिखाता हूँ कैसा कुछ रिस्पॉन्स जो है वो आपको इसके साथ देखने को मिल जाता है। सबसे पहले
पहला स्विच जैसे रोटेट करेंगे अपनी फॉग लाइट जो है वो ऑन हो जाती है। इसमें येलो बल्ब भी रखा गया है, 2500 रुपए की कॉस्टिंग के साथ ये रहने वाला है। उसके अलावा हेडलाइट यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, 2800 रुपए की कॉस्ट में हेडलाइट एलईडी जो है वो लगाई गई है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे तो अपने ऊपर वाली पार्किंग जो बल्ब है उसको भी चेंज किया गया है और यहाँ पे एलईडी बल्ब जो है वो इंस्टॉल किया हुआ है। साथ ही डीआरएल लाइट जो है वो भी लगाई गई है जो कि डुअल पर्पज में रन करने वाली है। इसको आप डीआरएल पे देख रहे हो, जिस भी साइड का इंडिकेटर पुट करोगे उधर सीक्वेंशियल टाइप बिलिंग करना स्टार्ट कर देती है। 800 रुपीज की कॉस्ट में जो है इसका यहाँ पे इंस्टॉलेशन किया गया है। बात करते हैं अब कार के साइड प्रोफाइल की। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें ग्लॉसी किट का जो इंस्टॉलेशन है वो किया गया है, जिसमें हेडलाइट वाला पार्ट मैंने आपको दिखा दिया है। साइड में आते हैं, आउटसाइड रियर व्यू मिरर, इसके ऊपर आपको जो ग्लॉसी इंसर्ट है वो देखने को मिल जाएगा। काफी अच्छा लुक जो है इसके साथ आ जाता है। इसके अलावा डोर हैंडल्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, डोर हैंडल के ऊपर प्रॉपर अपना ग्लॉसी इंसर्ट आपको देखने को मिल जाएगा और इसके ऊपर अपना बाउल कवर भी जो है वो रहने वाला है। यहाँ पे आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। पीछे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे अपना जो डोर हैंडल है रियर वाला, इसके ऊपर आपको यहाँ पर इंसर्ट मिल जाएगा और अपनी जो रियर की टेल लाइट है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, कुछ इस तरीके के फिनिश के साथ आपको देखने को मिल जाती है। और जिस तरीके से अपनी हेडलाइट के अंदर आपने रेड इंसर्ट देखे थे, सेम रेड इंसर्ट आपको इसकी टेल लाइट के ऊपर भी देखने को मिल जाएंगे। तो कंप्लीट किट जो रहने वाली है 2500 रुपए की कॉस्ट करती है। इसके अलावा ऊपर की तरफ आते हैं तो यहाँ पे अपनी जो गैलियो वाली रूफ रेल है पियानो ब्लैक फिनिश के साथ वो इंस्टॉल करी जा चुकी है। डोर वाइजर भैया ने कंपनी से ही लगवाए हुए थे, इसके अंदर हमारा कोई अपडेट नहीं है। आप चाहो तो हमारे यहाँ से क्रोम लाइन या नॉन क्रोम लाइन भी ले सकते हो, 500 रुपए से स्टार्ट हो जाते हैं। नीचे आते हैं, अपनी 8 पीस वाली जो लोअर गार्निश है वो लगाई गई, जिसमें आप देखोगे 1, 2, 3 और 4 चार पीस इस साइड में और 4 पीस आपको उस साइड में देखने को मिल जाएगा। कॉस्ट करता है अपना 1200 रुपए की। नीचे आप देखोगे जीटी किट वाला पार्ट आ जाएगा, अगेन क्लैडिंग वाला। यहाँ पे आप प्रॉपर जो क्लैडिंग है वो चेक कर सकते हो, व्हाइट कलर के इंसर्ट के साथ है और कस्ट व्हाइट कलर की अपनी कार रहने वाली है, सेम वही कलर आपको इसके साथ देखने को मिल जाएगा। उस पर आपको पंच की जो बैजिंग है वो भी दी गई है, तो प्रॉपर ये रहने वाला है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक व्हील कवर का अपडेट जो है वो भी किया गया है। इस मॉडल के अंदर आपको व्हील कवर्स नहीं मिलती, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। डुअल टोन वाले जो व्हील कवर्स है वो यहाँ पे लगाए गए हैं, जिसमें आपको टाटा का जेन्युइन लोगो देखने को मिल जाएगा। 1250 रुपए की कॉस्ट में जो है ये यहाँ पे इंस्टॉल किए गए हैं। इसके अलावा अब आते हैं रियर प्रोफाइल में, आपको दिखाते हैं कि वहाँ पे क्या कुछ अपडेट जो है वो किए गए हैं। सबसे पहले आप देखोगे तो यहाँ पे अपना शार्पिन टाइप रेडियो एंटीना लगाया गया है जो कि पियानो ब्लैक फिनिश के साथ रहने वाला है। आपके पास ऑप्शन है, क्योंकि अब ये व्हाइट कलर की अपनी कार है तो आप चाहो तो व्हाइट कलर के अंदर भी लगवा सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे अपना स्पॉइलर जो है वो भी इंस्टॉल किया हुआ है, ये आप चेक कर सकते हो। M-Tech का जो अपना स्पॉइलर है वो यहाँ पे लगाया गया है, क्योंकि इस वाली कार में आप देखोगे जीटी किट जो है वो भी M-Tech की लगाई गई है और स्पॉइलर भी जो है वो अपना M-Tech का ही रहने वाला है। इसकी फिनिशिंग किस तरीके की आती है वो भी आपको मैं दिखाऊंगा, क्योंकि ये स्पॉइलर जो है थोड़ा प्रीमियम आता है। यहाँ पे आप देखोगे प्रॉपर स्क्रू से इसको यहाँ पे अपने जो क्लिप होती है उसके थ्रू इसको टाइट किया जाता है और ऊपर की तरफ आपको इसके अंदर ब्लैक इंसर्ट देखने को मिल जाएंगे। कॉस्ट करता है अपना 4000 रुपए का और बहुत बेहतरीन इसका आउटपुट जो है वो आपको देखने को मिल जाता है। लुक में भी काफी स्लिम है और साथ ही साथ एक अच्छा आपको फिट एंड फिनिश ऑफर कर देता है। नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे अपनी जो डिग्गी पट्टी जिसको कहा जाती है वो फुल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। ये एसएस में होती है, जिसमें आपको जंग नहीं मिलता है, मतलब कि रस्टिंग वगैरह की प्रॉब्लम इसके साथ जो है वो नहीं आने वाली। नेक्स्ट बात कर लेते हैं तो यहाँ पे अपना एक रियर का रिफ्लेक्टर जो है वो लगाया गया है। ये कॉस्ट करता है अपना 950 रुपीज का। इसको जो है मैं आपको एक बार ऑन करके भी दिखा देता हूँ कैसा कुछ इसका आपको लुक वगैरह मिल जाता है। सबसे पहले जब पहला स्विच में रोटेट करूंगा लाइट वाला, तो यहाँ पे आप देखोगे इसके अंदर एक स्कैनिंग मोड जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा, कुछ तरीके से यहाँ पे ये स्कैन हो रहा है। उसके अलावा इसमें कुछ मोड्स भी मिल जाते हैं, जैसे कि आपको वो भी दिखाते हैं एक बारी। तो जिस साइड का भी आप इंडिकेटर पुट करोगे, इंडिकेटर देने पर ये सिक्वेंशियल टाइप बिलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं और अपना ब्रेक अगर आप जब अप्लाई करते हो तो ब्रेक के ऊपर जो है इसकी ब्राइटनेस और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो 3 मोड जो है वो आपको इसके साथ देखने को मिल जाएंगे। 950 रुपीज की कॉस्ट में ये लगाया गया है। अब हम जीटी किट के रियर वाले पोर्शन की बात कर लेते हैं, जो कि अपना यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, प्रॉपर ये रहने वाला है, ABS क्वालिटी में रहेगा। M-Tech की आपको यहाँ पर बैजिंग मिल जाएगी और यहाँ पे जो लाइट है उसके लिए आपको प्रॉपर कटआउट इस वाली किट के अंदर देखने को मिल जाता है। सिल्वर और ब्लैक का कॉम्बिनेशन है और ये अपनी व्हाइट कलर की किट लगाई गई है, तो व्हाइट कलर का इंसर्ट जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। डुअल मफलर डिजाइन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है और जेन्युइन रहने वाली है M-Tech की बैजिंग के साथ। 11500 रुपए की अपनी जो किट आती है वो इस वाली कार के अंदर इंस्टॉल करी गई है। और जीटी के अगर आपको ऑप्शन चाहिए तो आपके पास ऑप्शन में ये है कि 4500 रुपए से किट स्टार्ट हो जाती है, आप ले सकते हो। 4500 रुपए है, 5500 रुपए है, 7000 रुपए, इस तरीके से काफी रेंज आती है, जोन सी आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप लगवा सकते हो। तो ये बात हो गई सारी एक्सटीरियर प्रोफाइल की। अब चलते हैं कार की, आ जाते हैं आप कार के इंटीरियर में, आपको बताते हैं कि इंटीरियर से क्या कुछ अपडेट जो है वो किए गए हैं। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि पावर विंडोज आपको रियर की इस वाले मॉडल के अंदर नहीं मिलती है। टाटा जनरल रियर की पावर विंडोज का जो अपडेट है वो इस वाली कार के अंदर किया जा रहा है, जिसमें आप देखोगे प्रॉपर अपना जो स्विच है वो यहाँ पे आपको कपलर टू कपलर जो है वो कनेक्शन देखने को मिल जाएंगे। तो इसका कपलर बना दिया है, अभी स्विच लगना जो है वो बाकी है, लगता है फिर आपको वो भी चेकआउट करवा देते हैं। बाकी यहाँ पे आप देखोगे पेडल लाइट सेटअप जो है वो इस वाली कार के अंदर इंस्टॉल किया गया है, जिसमें आगे के 9 दरवाजों के नीचे आपको लाइट मिल जाएगी। इसके अलावा एक लाइट आपको जो इसके ग्लोव बॉक्स में है वो देखने को मिलने वाली है, वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे लगी है। और एक लाइट आपको इसके बूट में भी देखने को मिल जाती है। 4 लाइट का सेटअप आता है, कॉस्ट करता है 1500 रुपए का। स्पीकर वगैरह मैंने आपको दिखा दिए थे, पायनियर वाले जो स्पीकर्स हैं, फ्रंट डोर के अंदर कंपोनेंट और रियर डोर के अंदर कोएक्सियल स्पीकर का सेटअप
साथ में इस वाली कार ने इंस्टॉल किया गया है। बाकी आप यहाँ पे देखोगे पंच की प्रॉपर बैजिंग के साथ आपको यहाँ पे जो वेलकम प्लेट है वो देखने को मिल जाती है। 850 की कॉस्ट में जो है ये लगाई गई है और ये अपनी रहती है एसएस में, यानी कि इसमें आपको रस्टिंग वगैरह की प्रॉब्लम जो है वो बिल्कुल नहीं आती। फ्लोर पे आप देखोगे तो यहाँ पे अपनी जो फ्लोरिंग का काम जो है वो किया गया है। डाई वाली अपनी फ्लोरिंग है वो इसके फ्लोर पे लगाई गई है जो कि कॉस्ट करती है 2200 रुपए, और उसके ऊपर अपने जीएफएक्स वाले मैट्स हैं वो लगाए गए हैं जो कि लॉन्ग लास्टिंग में रहने वाले हैं। काफी अच्छी फिट एंड फिनिश इसके साथ आपको देखने को मिल जाती है। बात करते हैं अगर स्टीयरिंग रैप की तो यहाँ पे आपको डुअल टोन स्टीयरिंग रैप जो है वो देखने को मिल जाता है, जहाँ पे मून डिजाइन जो है प्रॉपर दिया गया है ब्लैक और ऑफ व्हाइट के कॉम्बिनेशन के साथ में। 800 रुपए की कॉस्ट में लगाया जा चुका है। इसके अलावा स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो एंड कॉलिंग कंट्रोल्स भी यहाँ पे एड ऑन किए गए हैं जो कि टाटा जनवन रहने वाले हैं। वॉल्यूम माइनस होगी, वॉल्यूम प्लस होगी, म्यूट एंड म्यूट वर्क करेगा और कॉल पिक एंड ड्रॉप के सारे फीचर्स वर्क करने वाले हैं। इसकी कॉस्ट आती है 3500 रुपीज की। यहाँ पे आप देखोगे तो अपना म्यूजिक सिस्टम भी अपडेट किया गया है, 4GB रैम 32GB इंटरनल स्टोरेज के साथ एक्सट्रीम ब्रांड का सिस्टम जो है वो लगाया गया है। टच का रिस्पॉन्स बहुत ही स्मूथ आपको देखने को मिल जाएगा। फ्रंट और बैक कैमरा जो है दोनों ही ये सपोर्ट करता है। फ्रंट कैमरे की प्लेसमेंट यहाँ पर है, रियर कैमरे की प्लेसमेंट पीछे की तरफ करी गई है। जेड लिंक के थ्रू आप इसके अंदर जो है एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कापले दोनों को जो है वो कनेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको प्रॉपर मार्किंग भी मिल जाएगी और कैमरे का रिस्पांस कैसा कुछ आने वाला है उसको चेक करने के लिए आपके पास यहाँ पे जो है वो दिया गया है। दोनों मर्ज कंडीशन में इस तरफ है, यहाँ पे ये फ्रंट कैमरे का आउटपुट और यहाँ पे ये अपना बैक कैमरे का आउटपुट आप चेक कर सकते हैं। तो क्लियर विजिबिलिटी जो है वो आपको इसके साथ देखने को मिल जाएगी। ये वर्क एज अ DVR भी करेगा, अगर आप चाहो तो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। 10,500 रुपए की कॉस्ट में जो है ये लगाया गया है। ऊपर की तरफ IRBM चेंज किया गया है 950 रुपए की कॉस्ट के साथ में, जो कि डे नाइट के एडजस्टमेंट फीचर के साथ है और ये टाटा जेन्युइन रहने वाला है। यहाँ पे एक बल्ब जो है वो भी चेंज किया जा चुका है। नीचे आते हैं USB पोर्ट लगाया गया है जो कि 350 रुपए की कॉस्ट में रहने वाला है। साथ में अपने गियर लॉक भी रहेगा जो कि 1200 रुपए की कॉस्ट में इंस्टॉल यहाँ पर किया गया है फॉर सेफ्टी पर्पज के लिए। इसके अलावा दोस्तों एक सेंटर लॉकिंग भी लगी है इस वाली कार के अंदर, RD ब्रांड की रहने वाली है, जिसमें आपको 3 साल की डोरस्टेप वारंटी भी मिल जाती है। फिलिप की का कन्वर्जन किया गया है। 3500 रुपीज की कॉस्ट में सारा सेटअप जो है वो आपको मिल जाता है। अंदर की तरफ देखते हैं, यहाँ पे आपको सीट कवर्स का भी अपडेट देखने को मिल जाएगा। फुल बकेट जो अपने सीट कवर्स हैं वो यहाँ पे इंस्टॉल किए गए हैं, जिसमें आपको यहाँ पे क्या रहने वाला है, सेंटर में परफोरेटेड है और ऊपर की तरफ आप देखोगे ब्लैक कलर के इंसर्ट जो है वो देखने को मिल जाएंगे। इंटीरियर मैच में रहने वाला है, काफी अच्छा आपको यहाँ पे इसका जो वर्क है वो देखने को मिल जाएगा। छोटे मोटे रिंकल्स हैं जो कि एक आध दिन के यूसेज के बाद चले जाते हैं। इसकी कॉस्ट की अगर हम बात करें तो 5500 वाले अपने सीट कवर जो है इस वाली कार के अंदर इंस्टॉल किए गए हैं। दोस्तों अपने पावर विंडो का बेजल भी लग चुका है, बस अब यहाँ पे इसको कवर करना बाकी है। आपको पावर विंडो के बारे में बता देता हूँ, टाटा जेन्युइन पावर विंडोज जो है इस वाली कार के अंदर अपडेट करी गई है, जिसमें आप देखोगे ड्राइवर साइड से ही आप रियर की पावर विंडोज को प्रॉपरली आप यहाँ पे ऑपरेट कर सकते हैं। 10,500 रुपए की कॉस्ट में ये पावर विंडोज का जो अपडेट है वो इस वाली कार के अंदर किया गया है। तो यही सब अपडेट था जो कि इस वाली कार के अंदर किया गया है। अब एक बार मिलते हैं कार के ओनर से और उनसे जानते हैं कि उनको इस कार के बारे में जो कि काम हुआ है वो कैसा लगा है। तो अपना गाड़ी का सारा काम कंप्लीट हो गया है, साकी भाई ने सारा काम दिखा दिया है, GT गेट वगैरह ओरिजिनल भैया की लग गई है। तो पंजाब से बेसिकली आए थे भैया, तो भैया से मिलवा देते हैं। सबसे पहले भैया नाम बता दीजिए अपना। सुरेंद्र सिंह। सुरेंद्र सिंह भैया आपका नाम? प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष, तो भैया पंजाब से आए थे, आप वीडियो देखते हैं। तो वीडियो कैसी लगी थी सबसे पहले, तो वीडियो से चालू करेंगे। वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स दिख रहा था, अच्छा सब चीज परफेक्ट दिख रही थी जी, हर चीज मतलब लग रहा था भी काम बढ़िया हो रहा है जी जी जी। खाली बस ये परेशानी आप फोन ही उठा रहे थे बस। कभी कभी क्या होता है, 3-4 बजे ट्राई किया मैंने आपको। हाँ, कभी कभी किसी वजह से नहीं उठा पाता हूँ, वैसे तो कोशिश करता हूँ। आपके सामने देखो कितनी कॉल उठाई भी है मैंने, तो ऐसा आज मैं देख रहा आज उठा रहे थे, सबकी कॉल ऐसा नहीं है। कभी कभी बाई चांस हो जाता है कि नहीं उठा पाता हूँ मैं। तो चलो आपने वीडियो में देखा, अच्छा लगा आपको वीडियो, इसलिए वीडियो देख के आप आए। तो आपको आने के बाद सीधा यहाँ आया, कहीं नहीं गए, रास्ते में कई बंदे हाथ दे रहे थे लेकिन हमने सीधी गाड़ी में, काफी लोग हाथ देते रास्ते में बुलाते हैं, यहीं जाके खड़ी कर बस जी जी। सबसे पहले हम ही आए थे यहाँ पर जी, उसके बाद बाकी गाड़ी आई। तो मैं यही बात पूछना चाहूंगा आपसे, जैसे आपने वीडियो में देखा है, वीडियो में आपको सब कुछ अच्छा लगा, तो आपने रियल में यहाँ पे काम कराया, तो रियल में काम कराने के बाद आपको क्या लगा, सेम आपका जो है वीडियो में जो देखा था वैसा ही रहा एक्सपीरियंस या कुछ अलग है? वैसे ही रहा, सेम रहा, बढ़िया लगा। जो काम चाहता था मैं, जो मैं काम चाहता था वही हुआ। अच्छा, काम जो मैं पंजाब से सोच के आया था, अच्छा कि मेरे को ये चीज चाहिए वही मिला। तो मतलब जो आप सोच के आए थे पंजाब से वो आपको मिला है? मिला है, 100% मिला है, बिल्कुल मिला है, और आपने लेस भी किया। तो मतलब काम मान भी किया है पंजाब से आने का पूरा मान। तो आपका जितना भी मतलब काम हुआ है, आपने सारी फिटिंग फिटमेंट देखो, वैसे तो आपने खुद ने देखी है, खुलते हुए भी देखा और सारा पैक होते हुए भी देखा, तो आपको क्या लगता है जिन लड़कों ने काम किया है वो प्रोफेशनल थे आपकी गाड़ी में या नहीं? बिल्कुल प्रोफेशनल थे, पूरे 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 प्रोफेशनल, पूरे नंबर, काम बढ़िया करा है, बिल्कुल बिल्कुल सेट, बिल्कुल सेट एकदम। अगर हम काम को ही नंबर मांगना चाहे तो कितने नंबर देंगे सर आप? नंबर पूरे 10 में से
दस में से यार तुम 15 ले लो। 15 काम पूरा यार। देखो गाड़ी सुबह ये छोड़ के गया है। जी जी जी। बोरा भी उसकी लुक ही बदल गई है। सबसे जरूरी क्या होता है ना यार, एक कि हमें ये सेटिस्फेक्शन रहेगी भाई हमारी वारंटी वॉइड नहीं हो रही, हमारा काम प्रॉपर कपलर टू कपलर चल रहा है, ठीक है, जेन्युइन काम चल रहा है। और अगर क्योंकि बंदा बाहर गाड़ी खुलवाता है यार, चाहे कोई भी गाड़ी हो, तो बंदे को यही सबसे बड़ी टेंशन यही होती है कि कंपनी के बाहर गाड़ी खुलवाना है, कंपनी की वारंटीज वॉइड ना हो, ठीक है, कोई हमारी तार कटिंग ना हो, कोई फिटिंग की दिक्कत ना हो, फिटिंग प्रॉपर है, काम पूरा चौकस हुआ है, मैंने खुद चेक कर लिया, सारा कुछ ओके है, कोई दिक्कत वाली बात बढ़िया हुआ है, बढ़िया एकदम। अच्छा आप तो भैया तो यही थे, आप चले गए थे थोड़ा काम से, तो आने के बाद कैसा रिएक्शन रहा था? मैंने तो भाई गाड़ी देखी, मैंने कहा यार गाड़ी वो है ही नहीं, गाड़ी चेंज हो गई, पूरी लुक ही चेंज हो गई है पूरी गाड़ी। जी जी जी। तो मॉडिफिकेशन पसंद आई आपको? बहुत बढ़िया, बहुत ही काम पसंद आया, बहुत ही बढ़िया। मेरी भी कर दो यार। करते नहीं ना पंच के बाद काम। तो चक्कर क्या है, हमारे पास पंच बहुत सारी होती है, तो इस चक्कर में दूसरी गाड़ियों का थोड़ा हम करने से मना कर दिया करते हैं अक्सर, लेकिन जैसे हमारे कोई पुराने कस्टमर है तो हम कर भी देते हैं, चलो ऐसी कोई बात नहीं है। तो भैया अब हम बात कर लेते हैं काम की, तो बात कर लिया, आपको काम सारा पसंद आया, अब आते हैं पेमेंट पे। पेमेंट कितनी कर दी आपने? 75,000 आपने मेरे को दे दिए पूरे। तो 75,000 पे देने के बाद मैं आपसे ये बात पूछना चाहता हूँ कि वो पैसे वर्थ है इस गाड़ी के लिए? 100% मतलब इतने लगने चाहिए थे? नहीं, इतने काम के लिए हमने सोचा भी इतने ही थे, और इतने काम के लिए वर्थ है, वर्थ है, काम सारा जेन्युइन है, सारा ओरिजिनल माल लगा। तो थैंक यू सर आप हमारे पास आए, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत वैल्यूबल है, और आप हमारे बहुत वैल्यूबल कस्टमर है, थैंक यू।